प्रिय छात्रों, कक्षा 12वीं के बही खाता लेखा कर्म विषय के अंतर्गत हम अध्याय 9 में कंपनी के वित्तीय विवरणों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक कंपनी को वित्तीय वर्ष के अंत में अपने वित्तीय विवरण बनाने आवश्यक एवं अनिवार्य होते हैं। इन वित्तीय विवरण के माध्यम से जो है एक कंपनी की, एक संस्था की आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। तो वित्तीय विवरण जो है वो वित्तीय खातों का क्या होते हैं? सारांश होते हैं। ये सारांश जो है संस्था की आर्थिक स्थिति को एक निश्चित समय तक के हिसाब से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर जो आशा है, कंपनी वित्तीय वर्ष के अंत में अपने वित्तीय विवरण तैयार करती है जो कि विभिन्न वित्तीय क्रियाओं का एक औपचारिक लेखा है जो वित्तीय वर्ष के अंत में बनाए जाते हैं, अर्थात एक निर्धारित अवधि में या वर्ष के अंत में ये बनाए जाते हैं। कंपनी की वित्तीय स्थिति को ये बताता है। तो ये विवरण जो है ये एक निश्चित अवधि के लिए या एक वर्ष के लिए बनाया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अतः वित्तीय विवरण जो है कंपनी के वित्तीय निष्पादन की सूचनाओं को प्रकट करने का क्या है? एक माध्यम है। कंपनी के आर्थिक स्थिति किस प्रकार की थी, उसकी वित्तीय स्थिति किस प्रकार की थी, इन सब की सूचनाएं प्राप्त करने का वित्तीय विवरण क्या है? एक माध्यम है जो व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को क्या करता है? दर्शाता है। तो वित्तीय विवरण में जो है हम निम्न विवरणों को शामिल करते हैं। नंबर एक, आय विवरण या लाभ हानि विवरण। कंपनी की लाभ अर्जन क्षमता किस प्रकार की थी, आय किस प्रकार की थी, उसका लाभ हानि का विवरण किस प्रकार का था। फिर उसका आर्थिक चिट्ठा तुलन पत्र, अर्थात दो वर्षों के अंतराल में, दो वर्षों के बीच में उसकी आर्थिक स्थिति की तुलना करना। तो तुलन पत्र में जो है वो सभी परिसंपत्तियां दर्शाई जाती हैं जो एक कारोबार के स्वामित्व में होती हैं, साथ ही सभी दायित्व को जो लेनदार को देय होते हैं तथा विशेष तिथि पर स्वामियों के दावे शामिल होते हैं। ये एक जो है एक महत्वपूर्ण विवरण होता है जो एक कंपनी की, एक संस्था की सुदृढ़ता अथवा आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति का क्या होता है, ये घोतक होता है, इससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो ये आर्थिक चिट्ठा या तुलन पत्र। फिर रोकड़ बहाव विवरण, संस्था की जो वित्तीय स्थिति है उसका रोकड़ का जो प्रवाह है उसकी स्थिति क्या है। फिर इक्विटी में परिवर्तन का विवरण, उसके अंश पत्रों का जो विवरण है उसकी जानकारी। फिर टिप्पणी व अन्य प्रकटीकरण। तो इस आधार पर जो है हम वित्तीय विवरण को तैयार करते हैं। ये विवरण जो है वित्तीय विवरण में सम्मिलित किए जाते हैं। अब इसके उद्देश्य क्या है? वित्तीय विवरण के उद्देश्य, नंबर एक, व्यवसाय के संचालन के परिणामों का निर्धारण। तो वित्तीय विवरण के माध्यम से जो है व्यवसाय के लाभ हानि के रूप को जानने के लिए आय विवरण या लाभ हानि खाता इस उद्देश्य की पूर्ति करता है। तो व्यवसाय के संचालन से जो है जो हमें लाभ या हानि हुई है उसके परिणामों की हमें इससे जानकारी प्राप्त होती है। फिर वित्तीय स्थिति का निर्धारण, संस्था की या कंपनी की वित्तीय विवरण स्थिति जो है व्यवसाय संस्था के वित्तीय स्थिति को एक निश्चित तिथि पर दर्शाता है कि उस संस्था की वित्तीय स्थिति किस प्रकार की है, जो मुख्य रूप से वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन होता है। जहां तक हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जिस तिथि तक हम वित्तीय विवरण बना रहे हैं, उस तिथि तक जो उस संस्था की परिसंपत्तियां, संपत्तियां हैं, दायित्व हैं, उसका जो विवरण बनाते हैं हम, वो आर्थिक चिट्ठा के अंतर्गत बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं हम या तुलन पत्र इस हेतु बनाया जाता है। फिर सूचना का स्रोत, वित्तीय विवरण में जो सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं उसके आधार पर वित्तीय प्रबंधक जो है को वित्तीय क्रियाओं संबंध में योजना बनाने एवं फंड के उचित प्रयोग में सहायक होती है। वित्तीय विवरण की सूचना के आधार पर जो है वित्तीय प्रबंधक जो है वो अपने आगे भविष्य की योजना बनाते हैं और जो फंड है उसका वो सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद अंत चौथा है, प्रबंधकीय निर्णय में सहायक।
वित्तीय विवरण के माध्यम से जो है कंपनी की लाभदायकता का तुलनात्मक अध्ययन गत वर्ष व चालू वर्ष के परिणामों से हम करते हैं, अर्थात जो तुलन पत्र तैयार किया जाता है आर्थिक स्थिति का चिट्ठा का, वो दो वर्षों को लेकर किया जाता है। तो इसमें हम यहाँ पर दोनों वर्षों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन करने से क्या होगा कि प्रबंधकीय निर्णय जो है भविष्य में किस प्रकार से और कंपनी का संचालन किया जाना है उस संबंध में निर्णय या डिसीजन लिए जा सकते हैं। फिर है शोधन का सूचक। शोधन से तात्पर्य जो कंपनी के दायित्व हैं उनका भुगतान। तो ये व्यवसाय की दीर्घकालिक व अल्पकालीन शोधन क्षमता को प्रकट करता है, अर्थात एक कंपनी की आर्थिक स्थिति उसका वित्तीय विवरण जितना बेहतर होगा वहाँ पर जो है कंपनी जो है उसकी शोधन क्षमता उसकी भुगतान क्षमता जो है वो बहुत बेहतर होगी। और जब उसकी शोधन क्षमता भुगतान क्षमता बेहतर होगी तो ये सूचना के आधार पर जो है बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने में वो उसको सहायक होती है। तो ये जो है वित्तीय विवरण के उद्देश्य। अब इसका महत्व जो है नंबर एक प्रबंधकों हेतु, तो वित्तीय विवरण से जो है आवश्यक सूचना प्राप्त होने से व्यवसाय की स्थिति प्रगति व भावी संभावनाओं का अध्ययन व विश्लेषण प्रबंधक कर सकते हैं। तो प्रबंधकों के लिए जो है वित्तीय विवरण का जो है वो विशेष महत्व है ताकि वो व्यवसाय के उस फर्म की उसकी वास्तविक स्थिति की उसकी प्रगति की और भविष्य में उसकी संभावनाओं के बारे में और क्या स्थिति बन सकती है उसका अध्ययन और विश्लेषण कर सकते हैं। फिर वित्तीय विवरण के माध्यम से अंशधारियों के लिए क्या महत्व है, वित्तीय विवरण के माध्यम से जो है अंशधारियों को कंपनी की वार्षिक सभा में परिणाम कंपनी की स्थिति कंपनी की आर्थिक स्थिति और कंपनी की प्रगति से अवगत कराया जाता है जिससे वे लाभ व आय का क्या करते हैं विश्लेषण करते हैं। तो अंशधारियों के लिए वित्तीय विवरण का इसलिए महत्व है कि वित्तीय विवरण के माध्यम से ही जो है यहाँ पर निवेशक अंशधारी जो हैं कंपनी की वास्तविक आर्थिक स्थिति को जानते हैं कंपनी की उसकी प्रगति को जानते हैं और वे लाभ व आय का क्या कर सकते हैं भविष्य के लिए विश्लेषण कर सकते हैं। फिर लेनदार हेतु, ये विवरण जो है वर्तमान व भावी माल व सेवाओं के पूर्तिकर्ताओं के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। लेनदार कंपनी की तरलता स्थिति लाभदायकता व दीर्घकालीन क्षमता का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो यहाँ लेनदार जो कंपनी के दायित्व हैं जिनको कंपनी को भुगतान करना है तो विवरण के माध्यम से यहाँ पर जो लेनदार है वो भविष्य में आगे जो माल और सेवाओं की जो पूर्ति कर रहे हैं उनके लिए ये वित्तीय विवरण जो है मार्गदर्शक के रूप में होता है। और इससे जो है लेनदार ये जान लेते हैं कि कंपनी की भुगतान की स्थिति तरलता की स्थिति किस प्रकार की है और लंबे भविष्य तक समय तक उनकी क्या स्थिति होगी। फिर श्रमिकों हेतु, वित्तीय विवरण में दर्शाए गए लाभ के आधार पर जो है श्रमिक वेतन बोनस के अलावा कल विभिन्न कल्याण योजनाओं का क्रियान्वयन करा सकते हैं, अर्थात वित्तीय विवरण के आधार पर जो है श्रमिक ये जानते हैं कि कंपनी की लाभार्जन क्षमता उसकी आय क्षमता उसकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है, इस आधार पर जो है श्रमिक अपने उचित वेतन बोनस के अलावा जो विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं जो श्रमिकों के लिए लागू होना चाहिए उसकी डिमांड कर सकती है। फिर राष्ट्र के लिए कंपनी की प्रगति जो है देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करती है। कंपनियों द्वारा जो विभिन्न देकर या अन्य योजनाएं रोजगार के अवसर आदि का जो है ज्ञान वित्तीय विवरणों के माध्यम से हो जाता है। तो ये जो है वित्तीय विवरण का महत्व क्या है इसके बारे में हमने देखा। अब बात आती है आर्थिक चिट्ठा बैलेंस शीट प्रत्येक कंपनी जो है एक निर्धारित समय पर जैसा कि बताया कंपनी का या संस्था का आर्थिक चिट्ठा तैयार करती। तो आर्थिक चिट्ठा क्या है, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाला एक विवरण है जो किसी निश्चित तिथि को बनाया जाता है। इसमें कंपनी की संपत्तियों दायित्वों पूंजी
व अन्य खाते के शेषों को पुस्तकीय मूल्य पर दर्शाया जाता है। पुस्तकीय मूल्य से यहाँ पर तात्पर्य है कि जो उनका वास्तविक शुरुआती मूल्य है। तो यहाँ पर जो है चिट्ठा जो है वित्तीय स्थिति को बताने वाला है, जिसमें कंपनी की जो भी संपत्तियां हैं, कंपनी के जो भी दायित्व हैं, पूंजी और अन्य खातों के जो शेष हैं, उनको हम पुस्तकीय मूल्य पर लिखते हैं। फिर आर्थिक चिट्ठा जो है अनुसूची 3 के अनुसार केवल क्षैतिज रूप में ही बनाया जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आता कि क्षैतिज रूप में आर्थिक चिट्ठा जो है खालिस्तान अनुसूची के अनुसार बनाया जाता है। तो 3 नंबर अनुसूची 3 के अनुसार बनाया जाता है। फिर एक कंपनी के आर्थिक चिट्ठे को जो है हम 2 भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग जो है वो इक्विटी और दायित्व, और दूसरा भाग जो है परिसंपत्तियों को दर्शाता है, अंश और जो लाइबिलिटीज हैं वो, और दूसरा भाग जो विभिन्न संपत्तियां हैं, भूमि, भवन, मशीनरी, फर्नीचर और आपके ख्याति, गुडविल, ये सारी चीज़ें जो है परिसंपत्तियों में हैं। फिर है आस्तियों को व दायित्वों को पुनः 2 भागों में बांटा है, चालू व गैर चालू मदों में बांटा गया, और फिर चिट्ठे के मुख्य भाग में दर्शाया जाता है। जो भी संपत्तियां हैं, आस्तियां मतलब यहां पर संपत्ति, संपत्तियां जो है संपत्ति और दायित्व को जो है चालू और गैर चालू मदों में बांटा गया, मतलब चालू संपत्तियां और गैर चालू संपत्तियां। वहीं दायित्व भी जो है वो चालू दायित्व और गैर चालू दायित्व ने 2 भागों में दर्शाया जाता है। फिर लाभ हानि खाते के डेबिट शेष को आरक्षिति अधिशेष शीर्षक में दिखाया जाता है, और विविध देनदार का जो है व्यापार प्राप्तव्य के नाम से जाना जाएगा। विभिन्न देनदारों के द्वारा जो भुगतान प्राप्त हुआ वो व्यापार प्राप्तव्य के नाम से जाना जाएगा। तो ये जो है इसकी विशेषता आर्थिक चिट्ठे की। अब यहाँ हम देखेंगे तुलन पत्र आर्थिक चिट्ठे के मुख्य शीर्षकों का वर्णन। तो अभी जो हमने देखा इक्विटी और दायित्व, नंबर 1 इक्विटी और दायित्व के अंतर्गत, इसमें जो है अंशधारकों की निधि, अंशधारक की निधि जिस अर्थात अंश पूंजी रिजर्व व आधिक्य व शेयर वारंट के प्रति प्राप्त की गई धनराशि तथा मुख्य रूप से समता व पूर्वाधिकारी अंशों की राशि, आरक्षिति व संचय व आधिक्य के शेष को हम इसमें दर्शाते हैं। तो इक्विटी और दायित्व के अंतर्गत जो पहला बिंदु है इसमें अंशधारकों की निधि, इस निधि के अंतर्गत हम विभिन्न अंश पूंजी रिजर्व और आधिक्य और शेयर वारंट जो है इनसे प्राप्त धनराशि जो है मुख्य रूप से संता व पूर्वाधिकारी अंशों की राशि के साथ इन्हें इनके शेष को हम दर्शाते हैं। फिर दूसरा है आवंटित के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि। कंपनी जो है जब बाजार में प्रवण के अनुसार अंश पत्रों को जारी करती है तब अंश पत्रों की राशि उसको प्राप्त होती है, और प्राप्त आवेदन अंश राशि के आधार पर जो है कंपनी अपने अंश पत्रों को क्या करती है, आवंटन करती है। तो यहां हम देखते हैं कि आवेदन राशि और आवंटन राशि इन दोनों के प्राप्त होने के बीच में क्या होता है, समय लगता है। तो यहां पर जो है इन दोनों के बीच का जो अंतर, जब कंपनी अंश पत्रों को जारी करती है तो आवेदन से आवंटन के बीच जो लंबित आवंटन राशि है उसको हम लंबित शेयर आवेदन धनराशि के रूप में दर्शाया जाता है। अर्थात आवेदन राशि हमें प्राप्त हो गई, आवंटन हमने स्वीकृत कर दिया, लेकिन अभी हमें राशि प्राप्त नहीं हुई, तो इन दोनों के बीच का, बीच में जो समय है वहां पर जो लंबित है राशि प्राप्त होना है वो यहां पर लंबित शेयर आवेदन धनराशि के नाम से दर्शाया जाता है, आवंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन धनराशि। इसके बाद गैर चालू दायित्व, गैर चालू दायित्व कंपनी के दीर्घकालीन वित्तीय देयताएं जो चालू वित्तीय वर्ष के अंत में देय नहीं है, जैसे दीर्घकालीन ऋण, आस्थगित कर दायित्व, अन्य दीर्घकालिक दायित्व और दीर्घकालिक उपबंध आदि, ये गैर चालू दायित्व के अंतर्गत आते हैं। फिर चालू दायित्व वे हैं, यहां पर किसी संस्था या कंपनी के वे ऋण जो दायित्व का वह भाग
जो 12 माह की अवधि के अंदर भुगतान हेतु देय होंगे, अर्थात ऐसे भुगतान जो एक वर्ष के भीतर उस करंट ईयर में हमें भुगतान करना है, वो चालू दायित्व है। वहीं गैर चालू दायित्व जो हमने देखे थे कि जो हम आराम से बाद में भी हम जिनका भुगतान एक वर्ष के बाद भी कर सकते हैं, वो गैर चालू दायित्व है। और चालू दायित्व यहाँ पर वे हैं जिनका की भुगतान हमें 12 माह की अवधि के अंतर्गत, अर्थात जिस वर्ष हम वित्तीय विवरण बना रहे हैं वहाँ तक हमें उनका भुगतान करना है। तो प्रायः ये वे दायित्व हैं जो लेनदारों या माल के पूर्तिकर्ताओं को देय होते हैं, अर्थात जो बार बार हमें भुगतान करने होते हैं एक निश्चित समय में, ये उस प्रकार के भुगतान है लेनदार या माल के पूर्तिकर्ताओं को दे होते हैं। तो इसके लिए लिया गया जैसे अल्पकालिक ऋण, इसका भुगतान, विभिन्न व्यापारिक देयताएं, विभिन्न व्यापारिक भुगतान एवं अन्य चालू दायित्व और अल्पकालिक उपबंध आदि। तो यहाँ पर जो इक्विटी और दायित्व के अंतर्गत जो है अंशधारकों की निधि, आवंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन धनराशि, गैर चालू दायित्व और चालू दायित्व। अब यहाँ पर बात करें हम आस्तियां मतलब संपत्तियां, तो यहां पर दो प्रकार की संपत्ति, गैर चालू संपत्तियां और चालू संपत्तियां। तो यहां ये वे संपत्तियां हैं जो व्यवसाय को एक से अधिक वर्षों के लिए आर्थिक लाभ प्रदान करेंगी, अर्थात गैर चालू संपत्तियां वो संपत्तियां हैं जिनके उपयोग से हम आगे अनेक वर्ष तक के लिए लाभ प्राप्त करते रहते हैं। तो ये कैसी होती है, स्थायी प्रकृति की होती है, जैसे भूमि, भवन, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर। तो ये जो है ये मूर्त व अमूर्त दो प्रकार की होती हैं। तो मूर्त संपत्तियां तो जो हम जानते हैं भूमि हो गई, भवन, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब क्या हो गई, मूर्त हो गई, जो हमें सामने दिख रही है और जिनका उपयोग करके हम लंबे समय तक व्यापार व्यवसाय से लाभ प्राप्त करेंगे। वहीं अमूर्त जो हमें सामने नहीं दिखती, जैसे ख्याति हो गई, पेटेंट, ट्रेडमार्क आदि, ये अमूर्त संपत्तियां कहलाती हैं। अर्थात अमूर्त संपत्तियां जो हैं, ख्याति हो गई, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क, जिनके माध्यम से हम व्यापार या व्यवसाय या कंपनी जो है लंबे समय तक आगे लाभ प्राप्त करती है। तो ये गैर चालू संपत्तियां हो गई जिसमें दो प्रकार की होती, मूर्त और अमूर्त। फिर चालू संपत्तियों में ये वो संपत्तियां हैं जो वित्तीय वर्ष के अंतर्गत रोकड़ में परिवर्तित हो जाएंगी, अर्थात उस चालू वित्तीय वर्ष के अंतर्गत जो है रोकड़ में कन्वर्ट हो जाती हैं, अर्थात एक लेखांकन वर्ष के अंदर रोकड़ में परिवर्तित हो जाएंगे। इन संपत्तियों में रोकड़, बैंक में रोकड़, स्टॉक, प्राप्य बिल, पूर्वदत्त व्यय को शामिल किया जाता है। अर्थात चालू संपत्तियां वे संपत्तियां कहलाती हैं जो एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत रोकड़ में कन्वर्ट हो जाती हैं, बदल जाती हैं। तो ये संपत्तियां जैसे रोकड़ हो गई, कैश इन हैंड, बैंक में जमा राशि, स्टॉक हो गया, कच्चे माल का, पक्के माल का स्टॉक हो गया, साथ ही प्राप्य बिल, बिल्स रिसीवेबल और पूर्वदत्त व्यय, इनको जो है चालू संपत्तियों में शामिल किया जाता। तो ये संपत्तियां जो है दो प्रकार की, यहाँ गैर चालू और चालू संपत्तियां। अब एक वित्तीय विवरण की जो सीमाएं हैं, नंबर एक है केवल रिपोर्ट मात्र। वित्तीय विवरण जो है कंपनी की पूर्ण स्थिति को व्यक्त नहीं करता, विवरण में कुछ तथ्य क्या होते हैं, अनुमानित होते हैं, जबकि वास्तविक स्थिति तब पता चलती है जब उनका विक्रय या समापन होता है। तो यहां पर जैसे कि उनको पुस्तकी मूल्य पर लिखा जाता है, तो स्थिति होती है कि जब उनका बाजार मूल्य होता है तो वो कुछ अलग होता है, ये तो कम हो सकता है, ये ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर जो विवरण में जो भी तथ्य दिए जाते हैं वो कैसे होते हैं, अनुमानित होते हैं, लेकिन जब वास्तविक स्थिति तभी पता चलती है जबकि उसका क्रय, उसका विक्रय या समापन होता है। तो ये इसलिए केवल क्या है, एक जानकारी, रिपोर्ट मात्र है, फिर वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाता। वित्तीय विवरण जो है मौद्रिक इकाई में व्यक्त किए जाते हैं जो कंपनी की वास्तविक स्थिति को दर्शाते हैं। वास्तविक रूप में चिट्ठे में दर्शाई गई संपत्ति का विक्रय मूल्य दर्शाए गए मूल्य से क्या होता है, भिन्न होता है। तो वित्तीय विवरण जो है मौद्रिक इकाई में व्यक्त किए जाते हैं जो कि उस समय कंपनी की वास्तविक स्थिति को दर्शाते हैं, जबकि वास्तविक रूप में चिट्ठे में दर्शाई गई संपत्ति का जो विक्रय मूल्य है
वो दर्शाए गए मूल्य से क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, अलग होता है, तो वास्तविक स्थिति का पता नहीं चलता। फिर ऐतिहासिक लागत अर्थात संपत्ति का मूल्य समय के व्यतीत होने पर क्या होता है, कम हो जाता है, ह्रास के कारण या प्रचलन के कारण या अन्य भी कारणों से, टेक्नोलॉजी के परिवर्तन के कारण जो है क्या होता है, संपत्ति के मूल्य जो है समय व्यतीत होने के साथ इसमें कम हो जाता है। तो इसमें चालू मूल्य परिवर्तन का समावेश नहीं होता, अतः कंपनी के आय विवरण द्वारा दर्शाए गए लाभ भी वास्तविक नहीं माने जा सकते। तो कम जो संपत्तियों की जो ऐतिहासिक लागत है, जो इसकी एक्चुअल लागत है, उसमें चालू मूल्य परिवर्तन का समावेश नहीं होता। फिर शुद्धता नहीं, वित्तीय विवरण में व्यक्त समंक जो है कि शुद्धता संभव नहीं है, क्योंकि यह लेखांकन पारंपरिक प्रक्रियाओं पर आधारित होते हैं एवं व्यक्तिगत निर्णय एवं धारणाओं पर आधारित होते हैं। तो ये कुछ जो है एक वित्तीय विवरण की सीमाएं हैं। क्यों? क्योंकि ये वित्तीय विवरण जो है एक रिपोर्ट की तरह है और जो ये वास्तविक स्थिति को भी नहीं दर्शाता, साथ ही यहाँ पर जो है संपत्तियों की जो लागत है वो समय व्यतीत होने के कारण या किसी अन्य कारणों से कम हो जाती, तो जो बाजार का चालू मूल्य है वो उसमें परिवर्तन का जो है एडजस्टमेंट यहाँ पर नहीं होता। साथ ही जो समंक प्राप्त होते हैं उनमें शुद्धता नहीं होती। तो ये जो है वित्तीय विवरण की कुछ सीमाएं हैं। फिर अभ्यास प्रश्न, वित्तीय विवरण से क्या आशय है, इसके निर्माण के उद्देश्य को बताइए। दूसरा, वित्तीय विवरण के महत्व को समझाइए। फिर तुलन पत्र आर्थिक चिट्ठी के अंतर्गत इक्विटी व दायित्वों की विभिन्न मदों को समझाइए। और अंतिम में तुलन पत्र आर्थिक चिट्ठी के अंतर्गत आस्तियों संपत्तियों की विभिन्न मदों को समझाइए। और अंतिम वित्तीय विवरण की प्रमुख सीमाओं को समझाइए।